हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर एग्ज़ाम्स में। इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो प्रैक्टिस सेट हम लोग ने डिज़ाइन किया है, इसका पार्ट टू। पार्ट वन चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। वैसे तो आपने अभी तक सुन लिया होगा कि आरआरबी एनटीपीसी को ध्यान में रखते हुए इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट्स को हमने डिज़ाइन किया है, लेकिन आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, स्पेशली UP SSSC के लोअर PCS और मंडी परिषद, इन पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स के लिए भी ये प्रैक्टिस सेट इक्वली इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप पूरा वीडियो को देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपसे कितने सवाल सही हो रहे हैं। तो चलिए अब इसमें स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले सवाल में तीन लोगों की बात हो रही है, उनकी एवरेज एज 23 साल है। तीन लोग अलग अलग एज के हो सकते हैं, लेकिन जब इनका आप कंबाइंड एवरेज लेंगे तब आपको देखने को मिलेगा 23 साल। आपसे कहा जा रहा है कि अगर इस पर्टिकुलर ग्रुप में एक चौथे बंदे की एंट्री हो जाती है और उससे भी क्या होता है, एवरेज 23 साल ही बना रहता है, तो वो पर्टिकुलर पर्सन कितने साल का होगा ये आपको बताना है। तो तीन लोग हैं और हर एक पर्सन कम से कम 23 साल का है, कुछ कम भी हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा के भी हो सकते हैं। ऑन एन एवरेज 23 साल उम्र है इन तीनों लोगों की। अगर इस पर्टिकुलर ग्रुप में एक और पर्सन ज्वाइन होता है तो स्ट्रेंथ 3 से बढ़ के 4 हो जाती है और फिर भी जो एज है वो 23 साल ही बनी रहती है। तो इसका मतलब ये है कि जो चौथा पर्सन है वो भी एग्जैक्टली 23 साल का ही है, ना तो उससे कम का है ना तो उससे ज़्यादा का है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाता है, इसको आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ये जो मैंने अभी अभी आपको बताया, ये प्रॉपर्टी होती है अर्थमेटिक मीन या फिर कह लीजिए एवरेज की। एक अल्टरनेट तरीका भी आप देख सकते हैं इसको सॉल्व करने का। तीन लोगों की बात हो रही है तो मान लीजिए एक्स वाई और जेड हैं तीन लोग, इनकी एज का जो एवरेज है वो 23 साल है, तो सम कितना होगा, 23 × 3 = 69, क्योंकि ये लोग तीन हैं और यहाँ पे एवरेज दे रखा था 23। तो इसको इक्वेशन वन मान सकते हैं। एक चौथे बंदे की एंट्री हो जाती है तो एक्स वाई जेड के बाद मान लीजिए वो बंदा के है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस के, इनका सम कितना हो जाएगा। एवरेज अभी भी 23 है, अभी ये लोग 3 से बढ़ के 4 हो चुके हैं, तो 23 × 4 तो ये हो जाएगा 92। इसको सेकंड इक्वेशन मान के हम लोग हटा सकते हैं। सेकंड में से फर्स्ट को अगर आप लेस करेंगे तो एक्स वाई जेड आपस में कैंसिल हो जाएंगे, के बराबर आ जाएगा 92 - 69 यानी 23। अभी भी कितना आंसर आ रहा है, 23 साल आ रहा है। तो जो भी मेथड आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 2 में आपको एक आइटम दिया हुआ है और उसके कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बारे में बात की जा रही है। लिखा हुआ है कि जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो 2/3 है उसके सेलिंग प्राइस का। अगर मैं 3 को इस साइड लेके आता हूँ तो 3 times of CP = 2 times of SP। अब हम लोग CP/SP कर लेंगे, रेशियो ले लेंगे इनका, तो ये आ जाएगा 2/3। तो सामने सामने वैल्यूज़ जो वैल्यूज़ आपकी लिखी हुई हैं उनको आप एब्सोल्यूट मान के सॉल्व कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर आर्टिकल है उसको 2 रुपये में ख़रीदा जाता है और 3 रुपये में इसको बेच दिया जाता है, यानी 1 रुपये आप उस पर कमा रहे हैं, तो प्रॉफिट हो रहा है। एक का कितने पे, 2 पे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस को हमेशा डिनोमिनेटर पे रखा जाता है। तो 1/2 का मतलब होता है 50%, जो कि इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में एक विमेन की बात कर रहे हैं और उसकी डॉटर की बात कर रहे हैं और इनकी जो एवरेज एज है वो 16 ईयर्स है। तो मान लीजिए विमेन प्लस डॉटर, इनका सम कितना हो जाएगा, 16 × 2 यानी 32, क्योंकि ये लोग 2 हैं और एवरेज आपको 16 दे रखा था। तो हमने क्या किया, सम निकाल लिया इससे। अब जो विमेन है उसका रेशियो 7 है और डॉटर का 1 है, तो मान लीजिए इसकी एज 7x है, इसकी x है, तो 7x + x ये हो जाएगा 32, तो 8x = 32। x की वैल्यू आ गई 4, आपसे पूछा है इसमें विमेन की एज, तो 7x की वैल्यू आपसे पूछी हुई है, x की प्लेस पे 4 रख देंगे, 7 × 4 = 28, 28 साल उम्र है इस पर्टिकुलर विमेन की, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ है वो एक पर्सन का है, उसने 147 स्टाम्प को ख़रीदा, जिसमें से कुछ 60 पैसे के स्टाम्प थे, कुछ 35 पैसे के स्टाम्प थे। आपको नहीं पता कितने खरीदे, लेकिन यहाँ पे जो पैसा उसका खर्च हुआ वो 68 रुपये 20 पैसे उसने खर्च कर दिए 147 स्टाम्प के ऊपर। आपको यहाँ पे ये बताना है कि 35 पैसे वाले कितने स्टाम्प उसके द्वारा खरीदे गए थे। तो यहाँ पे 2 टाइप के स्टाम्प हैं, एक है 35 पैसे का तो दूसरा है 60 पैसे का, एक 60 का है दूसरा 35 का है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कितने स्टाम्प खरीदे गए,
तो ये रहे इनके नंबर। तो मान लीजिए 35 पैसे वाले जो स्टाम्प थे उसने एक्स खरीदे, 60 पैसे वाले कितने खरीदे होंगे, 147 माइनस एक्स, क्योंकि इनको ऐड करेंगे तो 147 आएगा। और सवाल में दिया हुआ है कि कुल मिला के 147 स्टाम्प खरीदे गए थे। अब यहाँ पे टोटल पैसा कितना खर्च हो जाएगा, टोटल जो मनी होता है वो इतना खर्च होता है कि एक स्टाम्प की कीमत कितनी है उसको आप मल्टीप्लाई करा देंगे जितने आपने स्टाम्प खरीदे उनसे। तो टोटल मनी इज इक्वल टू हो जाएगा वैल्यू ऑफ ईच स्टाम्प, हर एक जो स्टाम्प है वो कितने वैल्यू रखता है, एक स्टाम्प की कीमत कितनी है, और मल्टीप्लाई करा देंगे आप जितने आपने स्टाम्प खरीदे, नंबर ऑफ स्टाम्प। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे टोटल मनी कितनी आ जाएगी, 16 × 147 माइनस एक्स, और यहाँ से क्या हो जाएगा 35 × x, तो 35x। इनको ऐड करने पर क्या मिलेगा, 68.20, 68 रुपये और 20 पैसे। अब एक काम करते हैं, इसको पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करा देते हैं 100 से, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो ये हो जाएगा 6820। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16 × 147 माइनस 60x प्लस 35x। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16 × 147, और ये आ जाएगा माइनस का 25x, और ये हो जाएगा 6820। तो इस पूरी चीज़ को अगर मैं उधर लेके आता हूँ तो ये माइनस का 25x LHS में बच जाएगा, और यहाँ पे 6820 माइनस हो जाएगा 60 × 147। इतनी बात आपको क्लियर है, इसके बाद आपको जस्ट इसको सॉल्व कर लेना है। चलिए इसमें देख लेते हैं, 6820 माइनस 147 × 60 को क्या लिख सकते हैं, 60 को आप ब्रेक कर लीजिए 6 × 10 में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो वैसे लिखेंगे 1470, क्योंकि इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1470, इसको कर देंगे गुणा 6 से, तो ये चीज़ वैसे लिखी जाएगी 1470 × 6 कितना हो जाएगा, 1400 × 6 कितना होता है 8400, 8400, और यहाँ पे 76 कितना हो जाएगा 420, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8820। तो फाइनल जो हमारे पास वैल्यू आई वो इतनी आ जाएगी 6820 माइनस 8820, यानी माइनस का 2000। तो यहाँ से 25 से इसको कैंसिल करने की कोशिश करेंगे तो 25 से ये 8 बार में जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 1 0 यहाँ पे आ जाएगा, तो एक्स बराबर आ गया आपके पास में 80। अब आप देखिए, आपसे पूछा क्या है कि 35 पैसे वाले स्टाम्प कितने थे, तो हमने 35 पैसे वाले स्टाम्प को एक्स माना था, तो एक्स आपको बताना है कितना है, 80 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल आपका सिंपल इंटरेस्ट का है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 6 साल बाद 30% हो जाता है जो भी आपकी एक्स्ट्रा मनी है, जो भी आपका इंटरेस्ट है, जो भी प्रिंसिपल है उसका। तो मान लीजिए प्रिंसिपल इस समय 100 रुपये है, तो 6 साल बाद जो एक्स्ट्रा मनी लगेगी वो 30 रुपये लगेगी, क्योंकि 100 का 30% कितना होता है 30, तो 30 कितने साल में, 6 साल में, तो 1 साल में कितना 5 रुपये, 30/6 होता है 5। तो यहाँ से आपको पता चला कि 1 साल में 5% के हिसाब से चार्ज लग रहा है, तो यहाँ से आपको ये बताना है कि जो भी एक्स्ट्रा मनी है वो ओरिजिनल प्रिंसिपल के बराबर कितने साल में हो जाएगी। तो 1 साल में 5 रुपये, तो ओरिजिनल मनी कितनी है 100 रुपये, तो 100 रुपये बनने के लिए कितने साल लगेंगे ये आपको बताना है। तो यहाँ से × 20, तो यहाँ से भी 20 गुना हो जाएगा, तो 1 × 20 कितना हो गया 20। तो 20 साल में जो आपकी एक्स्ट्रा मनी है, जो भी आपका इंटरेस्ट है, वो प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा, 20 साल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। अगले सवाल में आपको 30, 60 और 72 का जो HCF होगा ये बताना है। तो इन तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आपको दिख रहा है, इस 30 को आप लिख सकते हैं 6 × 5, इसको लिख सकते हैं आप 6 × 10, और इसको लिख सकते हैं 6 × 12। तो 6 यहाँ पे कॉमन हो गया, और 5, 10 और 12 में कुछ भी ऐसा हम लोग कॉमन नहीं ले सकते जो सब में एक साथ आ जाए, तो इसलिए 6 यहाँ पे HCF हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगले सवाल में आपको 15, 30 और 24 का जो LCM होगा ये बताना है। LCM लेने की जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक होती है वो देख लीजिए क्या होती है। सबसे पहले तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, तो वो 30 है। टेबल पढ़ना शुरू करते हैं, 30 का 30 एकम 30, क्या 30 को ये सब मिलके काट पा रहे हैं, तो नहीं।
32 जा कितना होता है 60। क्या 60 को तीनों मिलके डिवाइड कर पा रहे हैं? क्या नहीं, तीन बार करेंगे तो 90 हो जाएगा, 90 भी डिवाइड नहीं होगा। लेकिन जब 34 जा करेंगे 120, तब आप देखेंगे 120 15 से भी, 30 से भी और इवन 24 से भी कैंसिल हो जा रहा है, रिमाइंडर उसका नहीं बच रहा है। यही आपको चाहिए था, ये आपका रिक्वायर्ड एलसीएम हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4। अगले सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि 21 चॉकलेट को 5/2 के रेशियो में बांटा जाता है, तो सबसे कम जो चॉकलेट मिली वो कितनी दी गई किसी पर्सन को? तो यहाँ पे इनका सम करेंगे तो 7 आएगा। सवाल के हिसाब से 21 दिया हुआ है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 3, 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसका डबल यानी 6। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। यहाँ पे किसी माहिम की बात हो रही है, 175 नंबर का उसने टेस्ट दिया था, उसको 126 मार्क्स मिले और आपको बताना है कि उसके कितने परसेंट मार्क्स आए थे। तो इनिशियल वैल्यू क्या है 126, फाइनल वैल्यू क्या है 175, इसको आप कैंसिल करेंगे और गुणा कर देंगे 100 से। आप देखिए 25 से ये 4 बार में कटेगा, ये 7 बार में कटेगा और ये 18 बार में कट जाएगा। 18 4 72 यानी 72% मार्क्स इसको मिले थे, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल की ओर चलेंगे। टाइम एंड वर्क का ये सवाल है, इसमें आपके सामने 2% की बात हो रही है। जहाँ तक ए का सवाल है, उसको 48 मिनट लगते हैं किसी काम को करने के लिए और बी को उसी काम को करने के लिए 1 घंटे यानी 60 मिनट का समय लगता है। तो ए को लगते हैं 48 और बी को लगते हैं 60 मिनट। अब यहाँ से टोटल वर्क हम क्या एज्यूम करें, इनका एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 48 और 60 का, ये हो जाएगा 240। कैसे हुआ, 12 इनका एचसीएफ है, इसको लिख सकते हैं 12 4 ज़ा, इसको लिख सकते हैं 12 × 5। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12, जो चीज़ दो बार होती है उसको एक बार लिखते हैं और जो चीज़ अलग अलग बार होती है उसको पूरी की पूरी कॉपी कर लेते हैं। तो इससे आपको मिलेगा 48, 48 गुणे 5 कितना हो गया 240, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। जहाँ तक ए का सवाल है, वो 48 दिन में, इनफैक्ट 48 मिनट में 240 यूनिट काम ख़त्म कर लेता है। तो ऑब्वियस सी बात है, 1 मिनट में 4 यूनिट ख़त्म करेगा, ये हम लोग एफिशिएंसी निकाल रहे हैं ए और बी की। और इसी तरीके से बी कितने यूनिट करेगा, तो 5 यूनिट करेगा 1 मिनट के अंदर। अब हम लोग निकालते हैं कि टोटल टाइम कितना लगेगा अगर ये दोनों एक साथ जुट जाएं, तो यहाँ से टाइम टेकन बाय ए प्लस बी कितना हो गया, कुल मिला के इनको 240 करना था, एक दिन में ये लोग 4 5 9 यूनिट कर जाते हैं। तो 9 को इनफैक्ट 240 को डिवाइड करेंगे 9 से, तो आपको कितना मिलेगा आप यहाँ पर देख सकते हैं, 9 × 2 = 18, यहाँ से आ जाएगा 60, 9 6 = 54, तो यहाँ से बच जाएगा 6, तो 26 सही, 6/9, तो इतना आंसर आ रहा है। अब ये 26 मिनट और इतने सेकंड आ रहे हैं आपके पास, तो इन सेकंड को एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 26 6/9 × 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 3 से कैंसिल करेंगे, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, 3 60 को 20 बार में काट देगा, 20 × 40, तो 26 मिनट 20 × 40, इनफैक्ट 40 सेकंड यहाँ पे आ रहा है। तो 20 मिनट 40 सेकंड का समय आ रहा है आपके पास आंसर, तो 26 मिनट 40 सेकंड ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। मैंने भूल से 20 मिनट बोल दिया है, तो उसके लिए आप क्षमा करें। अगला सवाल आपका परसेंटेज का है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 25,000 लोग रहते हैं कुल मिला के। तो ये सवाल एग्जैक्टली वही है जो इससे पहले के प्रैक्टिस सेट में किया कराया जा चुका है, तो आप लोग इसको वहाँ से देख सकते हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगले सवाल में आपको परसेंटेज के एप्लीकेशन के बारे में बात करनी है। यहाँ पे आपको सामने जो डेटा है वो ये लिखा हुआ है कि एक पर्टिकुलर सिटी की जो पॉपुलेशन है वो 5% के हिसाब से हर साल बढ़ती जाती है। अभी वहाँ पे कितने लोग रहते हैं 1,85,220, 3 साल पहले वहाँ पे कितने लोग रहते थे, ये चीज़ आपको बतानी है। तो कुल मिला के मैं आपके सामने मैप बना देता हूँ, ये क्वेश्चन एक्चुअली कहता क्या है। तो ये मान लीजिए 3 साल पहले की पॉपुलेशन एक्स लोग वहाँ पे रहते थे, पहले साल क्या हुआ 5% का इंक्रीमेंट हुआ, दूसरे साल जो यहाँ पे आंसर आया यहाँ पे फिर से 5% का इंक्रीमेंट हुआ, और जो यहाँ पे आंसर आएगा वहाँ पे फिर से 5% का इंक्रीमेंट होगा, और 3 साल के बाद जो पॉपुलेशन होगी वो आपके सवाल में दी हुई है 1,85,220।
तो शुरू में वो पॉपुलेशन कितनी थी, आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। तो 5% से बढ़ने का मतलब क्या होता है, 105% हो जाना। तो 1/20 से बढ़ने का मतलब क्या होता है, 1+1/20 यानी 21/20 हो जाना। 21/20 कितनी बार हुआ है, 3 बार, ये पहली बार, ये दूसरी बार और ये तीसरी बार। तो पहली बार हुआ तो ये हो गया, और यहाँ से जो आंसर आएगा उसमें फिर से इंक्रीमेंट हुआ, और यहाँ से जो आंसर आया उसमें एक बार फिर से इंक्रीमेंट हो गया, तब आपको देखने को मिला कुल मिला के 185,220, 185,220 लोग हो गए। अब जस्ट आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू आपको निकाल लेनी है। चलिए इसको 21 से कैंसिल करते हैं। 21 ये कितनी बार में जाएगा, 10 बार में नहीं जाएगा, 9 बार में नहीं जाएगा, 8 बार में इसको कैंसिल करेंगे तब भी आपके पास में आएगा 168। तो यहाँ से 17 बच गया, 2 यहाँ पे आया तो 172। फिर से इसको 8 बार में काटेंगे, 168 बचेगा, यहाँ से 4 और 20 को पूरा नीचे ले आएंगे तो 21 दूनी 42 होता है, 10 यहाँ पे लगाएंगे तो 420 कैंसिल हो जाएगा। तो 1820 बार में ये कैंसिल हो गया अगर आपने 21 से काटा इसको। तो चलिए फिर से 21 से काटते हैं इसको, तो 4 बार में 84 चला जाएगा, 20 पूरा उतार लेंगे तो 21 दूनी 42 और 10 यहाँ पे। तो फिर से इसको काटेंगे 21 से, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स में 42 जाएगा और 20 यहाँ पे आ जाएगा। तो एक्स इंटू 1/20 का क्यूब, क्योंकि 20 को 3 बार एक साथ मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब इसका क्यूब लिया हुआ है और ये यहाँ पे 20 है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 की पावर 4। अब 20 की पावर 4 होता है 16,000। 16,000 इसका करेक्ट आंसर है। 3 साल पहले उस गांव में इतने ही लोग रहते थे, ऑप्शन नंबर 3। अगले सवाल में आपको बताना है कि शुरू के जो 5 प्राकृतिक संख्याएं होंगी या फिर कह लीजिए नेचुरल नंबर होंगे, उनके क्यूब का सम कितना होगा। तो नेचुरल नंबर आप लोग जानते हैं कि जिनकी शुरुआत 1 से होती है और पूरे इन्फिनिटी तक वो जाते हैं, तो ये रेंज होती है नेचुरल नंबर की। तो सबसे पहला नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 1। तो 1 क्यूब, उसके बाद में 2 क्यूब, फिर 3 क्यूब, 4 क्यूब और आखिर में 5 क्यूब। ये कुल मिला के क्या होगा, ये चीज़ आपको बतानी है। 1 का क्यूब तो 1 होता है, 2 के क्यूब को 8 कहते हैं, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 125। सबको ऐड करेंगे तो तब आपको देखने को मिलेगा 245। तो आपसे अगर सम पूछा होता तो 245 इसका करेक्ट आंसर होता। एवरेज पूछा है तो एवरेज कैसे निकलता है, जितने ये लोग हैं उनसे डिवाइड कर दीजिए, तो ये लोग 5 हैं तब ये आपके पास में आ जाएगा 45। 45 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल आपका प्रॉफिट एंड लॉस का है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है कि एक पर्टिकुलर चेयर को 3,000 रुपये में खरीद के लाया जाता है और 6% के लॉस में इसको बेच दिया जाता है, कितने रुपए में बेचा ये आपको बताना है। तो बहुत आसान से क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100% ही माना जाता है, तो 100% की वैल्यू 3,000 है, 6% के लॉस में बेचने का मतलब है 94% में बेच देना। तो 94% की वैल्यू क्या होगी, ये आपका सवाल है। तो सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3,000 × 94 और बटे में आ जाएगा 100, कैंसिल होगा तो 30 × 94 कितना हो जाएगा, 940 × 3, तो ये हो जाएगा ये 2,700 और 40 × 3 कितना होता है, 120, तो ये आ जाएगा 2,820। 2820 इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल आपका टाइम स्पीड और डिस्टेंस का है। यहाँ पे किसी राजेश की बात हो रही है, उसको एक पर्टिकुलर जर्नी को कवर करना है और उस पर्टिकुलर जर्नी को कवर करने के इनके पास 2 ऑप्शन है, चाहे तो ये 5 की स्पीड से पैदल जाके इसको कवर करें, चाहे तो 20 की स्पीड से साइकिल में ले जाके इस पर्टिकुलर जर्नी को ये ख़त्म करें। और होता क्या है, कुल मिला के 45 सेकेंड का ये समय लेते हैं 600 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए। और ये करते क्या है, उस टाइम पे साइकिल भी चलाते हैं और पैदल भी जाते हैं। आपसे यहाँ पे ये पूछा हुआ है कि कितने सेकंड तक इन्होंने साइकिल चलाई, तो ये परफेक्ट एग्जांपल है मेथड ऑफ एलिगेशन का। यहाँ पे एक डेटा 5 मीटर पर सेकंड का है, दूसरा 20 मीटर पर सेकंड का है, और मीटर पर सेकंड को क्या कहते हैं, वेलोसिटी या फिर स्पीड कहते हैं। अगर आपको एक तीसरी स्पीड पता चल जाए तब आपकी बात बन जाएगी। तो स्पीड बिल्कुल पता चल सकती है, 45 सेकंड का समय दिया है
और दूरी कितनी है 600 मीटर की, तो स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हो जाएगा 600 और टाइम हो जाएगा 45 सेकेंड। 15 से कैंसिल करेंगे, 3 बार में जाएगा और ये जाएगा 4 और ये 0, तो 40/3। तो बीच वाली वैल्यू को समथिंग यहाँ पे लिखते हैं, 3 को हटाएंगे, 3 से सभी को मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आ जाएगा 15, ये 3 से 3 कट जाएगा और ये आ जाएगा 60। अब इसमें एलिगेशन आप लगा सकते हैं, ये 40 होगा, इनके डिफरेंस को यहाँ लिखते हैं तो 40 में से 15 गया तो 25, इनके डिफरेंस को यहाँ लिखते हैं तो ये कितना हो गया 20। इसके बाद में हम लोग रेशियो लेते हैं, आपको पता होगा लेकिन रेशियो लेने की उतनी ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे आपसे पूछा है साइकिल कितनी कितने सेकंड तक चलाई, तो साइकिल चलाई 25 सेकंड तक, क्योंकि साइकिल के स्पीड के नीचे साइकिल का टाइम लिखा हुआ है, 25 सेकंड इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल आपका टाइम एंड वर्क का है, दो लोगों की बात हो रही है, एक है ए और दूसरा है बी। ए के बारे में कहा जा रहा है कि उसको एक काम को करने में 18 दिन का समय लगता है, और बी को इनफैक्ट ये डेटा जो 18 दिन का है वो ए प्लस बी के लिए है, और ए उस पूरे काम को 36 दिन में कर सकता है। आपको इसमें ये बताना है कि बी कितना टाइम लेगा, तो ये ए प्लस बी का डेटा है, इनको लगते हैं 18 दिन और सिर्फ ए को लगते हैं 36 दिन, तो टोटल वर्क को हम क्या एज्यूम करें, इनका एलसीएम, तो ये 36 यूनिट का काम हो जाएगा। ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या है, 18 दिन में 36 यूनिट काम करते हैं, तो एक दिन में ऑब्वियस बात है 2 यूनिट काम ये करते होंगे मिलके। जहाँ तक ए का सवाल है तो 36 दिन में 36 यूनिट काम ये करता है, तो एक दिन में ऑब्वियसली 1 यूनिट काम करेगा। अब यहाँ से बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इसमें से इसको लेस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1, 2 में से 1 गया तो 1, 1 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से बी भी काम करता है। बी को कुल मिला के काम कितना करना है, 36 अगर उसे अकेले करना है तो, और एक दिन में कितना करता है 1, तो समय कितना लगेगा, 36 दिन का ही समय बी को भी लगेगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल आपका टाइम स्पीड और डिस्टेंस का है, एक पर्सन है वो 12 किलोमीटर को 90 मिनट में कवर करता है साइकिल से, आपको इसमें ये बताना है कि कितना डिस्टेंस 3 घंटे में वो कवर करेगा अगर वो उसी साइकिल से उसी स्पीड पे चलेगा तो। तो डिस्टेंस कितना है 12 किलोमीटर, टाइम कितना है 90 मिनट, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 90, इनफैक्ट सेकंड में नहीं, इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 90/60, क्योंकि यहाँ पे एक मिनट में 60, इनफैक्ट एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, इस वजह से 90/60। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा, तो 3/2 आवर्स लगते हैं 12 किलोमीटर को कवर करने में। तो यहाँ से स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस 12 है, समय है 3/2, 4 बार में 12 कट गया, 2 ऊपर गया, मल्टीप्लाई हो गया 4 2 ज़ा 8, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इनकी साइकिल चलती है। तो 3 घंटे में कितना चलेगी, 1 घंटे में 8, तो 3 घंटे में 8 3 ज़ा 24 किलोमीटर ये कवर कर पाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। अगला सवाल आपका फिर से टाइम और वर्क का है, यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, एक है राम तो दूसरे हैं श्याम, दोनों मिलके किसी पर्टिकुलर काम को 8 दिन में करते हैं और सिर्फ एक बंदा यानी कि राम वो 12 दिन लेता है इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर एक बंदा काम करे लेकिन वो राम ना होके श्याम हो जाए तब काम कितने दिन में ख़त्म होगा, तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। ये राम प्लस श्याम दोनों का हिसाब किताब है, इनको लगते हैं 8 दिन, राम को कितने दिन लगते हैं 12 दिन, तो टोटल वर्क कितना एज्यूम करें, 12 और 8 का एलसीएम ये हो जाएगा 24 यूनिट। अब ये 24 यूनिट मैंने मन में कैसे लिया, इन दोनों में बड़ा कौन है 12, 12 1 ज़ा 12, 12 डिविजिबल नहीं है दोनों से, 12 गुणे 2 कितना होता है 24, 24 इन दोनों से कट जाता है जो कि इसका रिक्वायर्ड एलसीएम हो जाता है। तो 24 यूनिट का कुल मिला के इनको काम करना है। यहाँ पे राम प्लस श्याम दोनों की एफिशिएंसी क्या है, 8 दिन में 24 यूनिट ख़त्म करते हैं तो एक दिन में 3 यूनिट ख़त्म करते होंगे 24/8। इसी तरीके से राम कितने दिन में इनफैक्ट कितनी यूनिट प्रतिदिन निपटाता होगा तो 2। यहाँ से श्याम की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इससे इसको लेस करेंगे तो श्याम 3 - 2 1, तो 1 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से श्याम काम करेगा। अगर उसे अकेले करना है 24 यूनिट तो कितना समय लेगा, एक दिन में 1 यूनिट, तो 24 यूनिट में 24 दिन लेगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है।
अगला सवाल आपका ट्रेन या फिर कह लीजिए टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ट्रेन रास्ते में कहीं रुके नहीं तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी, और अगर वो रुक के जाती है तो 40 की उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? रुकने के कारण प्रति घंटे 10 किलोमीटर पीछे हो जाती है ये ट्रेन। तो प्रति घंटे 10 किलोमीटर पीछे होने का भी क्या मतलब है? उसका मतलब ये है, इसके लिए हम लोग निकालेंगे कि स्टॉपेज में इसने कितना टाइम वेस्ट किया। तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ध्यान रखिएगा, स्पीड हम वो वाली लेंगे जो विदाउट स्टॉपेज की है। स्पीड हमेशा स्टॉपेज के बगैर वाली ली जाती है, क्योंकि जो बाद वाली जो स्पीड है वो टाइम वेस्ट करने के बाद में देखने को मिलती है। तो डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा 10 किलोमीटर, क्योंकि इतने किलोमीटर घंटे के हिसाब से पिछड़ती जाती है ट्रेन, और स्पीड है 50, तो हो जाएगा 1/5। तो 1/5 यहाँ पे घंटे हैं, तो मिनट कितने हैं? 60 से गुणा करिए, 5 12 जा, तो 12 मिनट का स्टॉपेज में जो समय खर्च हुआ ये आपको मिल गया ऑप्शन नंबर 2। आपसे पूछा भी यही था।